तो प्रो गैंग, आज हम लोग टेस्ट करने वाले कुछ माइनक्राफ्ट के हॉरर सीड्स। ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है इन सीड्स के अंदर, क्योंकि उनको एकदम स्कैरी काम है और आज वही हम पता करेंगे। ओके, मैं ऐसी की बात कर रहा हूँ, तो चुपचाप आके देखते हैं यार सीड्स क्या क्या ही होगा। कुछ नहीं होगा अंदर, वो तो थोड़ी ना मिल जाएगा, है ना? नहीं मिलेगा ना? ये मेरे को ऐसे भी दिख रहे हो, वाह। सो पहला जो सीड है वो मुझे मिला है रेडिट के पोस्ट में, जो कि एक साल पहले किया गया है। और इस बंदे के हिसाब से हम लोग को स्पॉन में इस तरह का कोई आइलैंड मिलता है और उधर ही स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाएगा। बंदा पागल बना रहा है क्या? आयो चेक करते। तो चलो आ गया हूं मैं अपने बेडरॉक वाले वर्जन में, बेचारा सालों से कोने में पड़ा था। तो चलो एक नया वर्ल्ड बनाते हैं एंड चलो अपने सीड को एंटर करते हैं। और ऑब्वियसली क्रिएटिव में खेलने वाला हूं और इजी भी। एक काम करते हैं, पीसफुल कर लेते हैं एंड चलो क्रिएट। तो शिट, क्या ये सच में होने वाला है? और चलो वर्ल्ड में आ चुके हैं। वेट, क्या ये वही आइलैंड है? ये तो सेम टू सेम वही आइलैंड है। व्हाट, गीगा चैट मिल गया अपने को। और इस बंदे के हिसाब से अपने को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी इसके नीचे मिलने वाला है एग्जैक्ट। लेकिन उससे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई विलेजर क्यों नहीं है। वेट, व्हाट, विलेज है बट विलेजर्स नहीं है, कहा छोड़ के चले गए? अगर एक विलेज में विलेजर्स ही नहीं है तो क्या ये विलेज विलेज कहलाने के लायक भी है? ओके वेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब नहीं सोचना है। और वेट, काली बिल्ली, बिल्ली काली भी होती है क्या? ओके वेट, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्या अभी? और यहाँ पर ये आयरन गोलम है। लेकिन गाइस सोचो, आयरन गोलम होता किस लिए? विलेजर को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई विलेजर ही नहीं है, तो ये बचा किसको रहा है? हेलो, किसकी रखवाली कर रहा है तू? वेट, ये इस आइलैंड को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? ओह शिट गाइस, डर लग रहा है मेरे को। वो तो अच्छा है मैं क्रिएटिव में। और एक और काली बिल्ली, क्या हो रहा है ये? वहां पे भी काली बिल्ली। शिट गाइस, क्या कुछ कहना चाह रहा है ये वर्ल्ड? कुछ तो है इस सीड में। शिट, मेरे को डर लग रहा है यार थोड़ा सा अभी। यार काली काली बिल्ली है। और अरे हाँ, आपने वो देखना था ना कि इसमें ये स्ट्रॉन्ग होल्ड वगैरह है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते फटाफट। चलो गेम मोड, स्पेक्टेटर एंड इसके लिटरली नीचे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है। ओ भाई, कर्स्ड है ये सीड। अगर तुम लोग भी चेकआउट करना चाहते हो तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो इस सीड को। लेकिन यार मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, ये 100% रियल है। चलो यार, मेरे को तो बहुत बैड वाइब्स आ रही है ये सीड से, निकल लेता हूँ यहाँ से। अब चलते अपने नेक्स्ट सीड पर। ओके सो नेक्स्ट सीड है, वो भी रेडिट से आता है और ये पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका कहना है कि हमको एक राक्षस का स्टैचू दिखता है माउंटेन्स के बीचों बीच, और कुछ एबनॉर्मल चीजें भी होती है उस माउंटेन के अराउंड। तो चलो यार वो भी जाके चेक करते हैं। ओके सो ये वाला जावा में वर्क करने वाला है, सो इस सीड को डालते हैं एंड लेट्स सी क्या ये रियल है। एंड ओके आ गया मैं। एंड लेट्स सी आसपास मुझे कुछ दिखता है क्या राक्षस जैसा। यहाँ पे एक रुइंड पोर्टल है, क्योंकि वेट, रुइंड पोर्टल लेटा हो क्यों है? स्टार्ट करो। नॉर्मली तो ऐसे होता है ना। ओ शिट, ये कुछ कहना चाहता है या फिर मैं ही पागल की तरह कुछ सोच रहा हूँ? ओके सॉरी, जल्दी से वो राक्षस लाओ यार, है ही नहीं, दिख नहीं रहा मेरे को। ओ ओ, एक राक्षस, व्हाट, ये देखो दो आंखें और एकदम खतरनाक मुंह। ओ शिट, ये सीड्स रियल कैसे? और उस पोस्ट के नीचे काफी लोग लिख रहे थे कि सर्वाइवल में मत जाना अंदर, और एग्जैक्टली वही हम लोग ट्राई करने वाले, क्योंकि प्रोबोइज है भाई, डरता है क्या वो? हाँ कभी कभी। चलो भाई चलते हैं अंदर। ए भाई, अटैक नहीं करने का, विजिटर हूँ ना मैं, हाँ उसको मारने का, ये वही ना बात भाई। ये अजीब है, ये दोनों क्यों लड़ रहे? आते ही कुछ अजीब सी चीज हो रही है, कुछ सीड का कहना है क्या ये? चल मारेगा, मारेगा मेरे को। पैदा है ना, थोड़ा सा नाइट विजन ले लेता हूँ एंड लेट्स सी अगर हम लोग कुछ एबनॉर्मल दिखाई देता है तो। हम वेट, ये ज़ॉम्बी लोग अटके हुए क्यों? ए ए अगल मार, ये देखो गाइस, ये लोग मूव ही नहीं कर रहे हैं। व्हाट गाइस, कुछ तो गड़बड़ है यार इस सीड में, सच्ची में। अरे क्यों लग रहा है मेरे को एक आर्ट है? आई डोंट नो, मेरे को तो नहीं लग रहा कि मारने मार ले तू कीड़े। ओके सो अंदर से भी काफी स्ट्रेंज है। सो ओवरऑल मेरे को तो नहीं लगता कि सीड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अरे अरे कहाँ से आ रहे हैं लोग? भाई जी दो सीट तो यार काफी भयानक गए मेरे साथ, लाइक पता नहीं भयानक जा रहे कि नहीं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, पैरानॉइड हो रहा हूँ शायद मैं। कुछ खाने को दो ना साहब। तो चलो अभी हम लोग ट्राई करने वाले अपना थर्ड सीड, जो कि इस रेडिट यूजर के हिसाब से ये सीड वाला वर्ल्ड अपने को मारने की कोशिश करेगा। लाफा दूंगा ना, क्या मजा कर रही है, भले कोई वर्ल्ड किसी प्लेयर को कैसे मार सकता है, चलो मारता होगा किसी और प्लेयर को, लेकिन प्रोबो इसको कौन मार सकता है? मार सकता है वो प्रोबो इसको, लाफा दूंगा ना बंदे को। तो चलो ये वाला जो वर्ल्ड है उसको हम लोग सराल में बनाने वाले, देखते कौन माइकल को मारेगा।
चलो प्लीज लेट्स सी क्या ये इस बंदे की बात सच होती है। ओ वेट व्हाट भाई स्टार्टिंग में डैमेज पड़ गया। ये बुरी शुरुआत है। बट इसका मतलब ये तो है ना कि मैं मरने वाला हूँ भी। ऐसा तो ये ना होता कि कोई वर्ल्ड मारना चाहेगा। कोने में कौन मारेगा? आओ सामने आओ मेरे। ओ शिट इतने सारे स्केलेटन्स। अरे हाँ अबे इतने सारे स्केलेटन क्यों है? ये सच में ऐसा होता है कि वेट अरे अरे क्या पागल है क्या मार किसे रहा है? बट स्केलेटन होने का मतलब ये तो है ना कि मतलब ये वर्ल्ड मुझे मारने का ट्राई कर रहा है। कुछ भी फालतू की रही है। बट फिर भी डर तो लग रहा है। अभी पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। कुछ नहीं होगा। अरे नहीं चलो बेटा मार के दिखाओ मेरे को। हाँ मारो फालतू मित। व्हाट नो नो वी ये कैसे हो सकता है? क्या रे ज़ॉम्बी के बच्चे तेरी तो आया बड़ा पापा के पास है आपने। अभी क्रीपर आ रहा है। अरे यार सब क्यों आ रहे मेरे पास? व्हाट इज दिस यार? क्रीपर था ना यहाँ पे। फूटा क्या हो? नहीं फूटा तो नहीं हो बट फूटा होता तो ब्लॉक्स टूटता। क्रीपर कहाँ गया? नहीं 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 गाइस कुछ तो सही नहीं लग रहा मेरे को। अरे यार ऐसे मत करो यार वो। अरे बारिश गाइस कैसे हो रहा है ये सब? मैं नहीं कर रहा है। नहीं ये वर्ल्ड में हो रहा है गाइस। तुम लोग भी ट्राई करो यार। कुछ तो प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड में। लीव करते गाइस। शिट गाइस मैं तो कहूँगा तुम लोग भी एक बार जाकर टेस्ट करो यार। हटके हाथ में आई तो बोलना मत जो मेरे साथ हुआ है भाई। तभी पता नहीं बस नॉर्मल चीज़ें और बस मेरे को ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं हॉरर के नाम पे बना रहा हूँ। लाइक पैरानॉइड तो नहीं हो रहा ना सच्ची में? चलो जो भी अभी नेक्स्ट वर्सी ट्राई करते हैं। जो कि मुझे दिया गया एक बंदे ने ईमेल के द्वारा। यस इस बंदे ने मेरे को एक वर्ल्ड फाइल दिया है ईमेल में और कहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर मुझे सायरन हेड देखने मिलेगा। तुम लोग सायरन हेड तो पता ही होगा वो टकले पे सायरन लगा के चलने वाला बंदा। और ये देखो ये अपना वर्ल्ड। डोंट जॉइन जॉइन ये चूमने लिखा ही। तो चलो चलते इस वर्ल्ड के अंदर और उसके हिसाब से मेरे को एक सायरन हेड मिलना चाहिए। देखो सच बात तो मेरे को थोड़ा सा फेक लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग कोई बिना मोड़ के सायरन हेड को नहीं ला सकते गेम में। लेकिन क्या पता इस बंदे की बात सच निकल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला टेंशन मत लो। तो इस बंदे ने कहा है कि अपने को है ना एक रिचुअल करना पड़ेगा एकदम काला जादू। और उसमें करना क्या कि अपने को एक बिल्ली की बलि देनी है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो चलो क्रिएटिव करते हैं। और बिल्ली की बलि देने के लिए हम लोग किस तरह का रिचुअल बना सकते हैं? तो ये दोस्त बट मरने वाला है अभी तू मुझे मारेगा। ओके वेट एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है उसी को ट्राई करते हैं। A few moments later. तो ये होने वाला है अपना टॉर्चर ट्रैप। तो इस बिल्ली को मैं सीधा यहाँ पर बीच में स्पॉन करने वाला हूँ और अगर बिल्ली थोड़ी सी भी मुड़ी तो उसकी जिंदगी मुड़ी और वो बाहर ना निकले इसलिए हम लोग यहाँ से भी उसको कैद कर देंगे। तो चलो अपनी बलि देने वाली मशीन तैयार हो चुकी है और भाई थोड़ा सा डर तो लग रहा है तो इसमें सायरन हेड ना आ जाए। चलो जो भी है पॉन कर दे। बूम ओके मर बेटा। यस बलिदान दे दी तूने। लेकिन इससे हुआ क्या? तो बलि तो दे दी अभी करना क्या है? कहाँ पे सायरन हेड? उस बंदे ने पता है क्या लिखा था कि अगर हम लोग है ना ये बिल्ली को अगर मारते बलि देते तो जो सायरन हेड है वो एक स्टैचू में बदल जाता है। ये उस बंदे ने लिखा एग्जैक्टली उस ईमेल में। लेकिन पहली बात तो मुझे स्टार्टिंग में सायरन हेड दिखा नहीं और मैं रिचुअल भी कर लिया तो वो स्टोन में बना वो भी मुझे नहीं दिख रहा। क्या कोई काम धंधा नहीं है क्या ये ईमेल लिखते फालतू? अरे यार कुछ तो मिल जा ठीक है ठीक है। व्हाट सायरन हेड ओके गाइस हंसी आ रही है मुझे। अरे क्या है ये? क्यों है ये गाइस? सायरन हेड को मैंने स्टोन में बदल दिया या फिर तो उस बंदे ने सायरन हेड को यहाँ पे बिल्ड किया होगा। भाई क्या स्कैम है ये? वेट ये तो नहीं है। लाइक मैं सायरन हेड को देखा तो नहीं था बट मैं रिचुअल करने के बाद मुझे स्टोन वाला जरूर दिख रहा है। मुझे तो पक्का लग रहा है उस बंदे ने अपना काट दिया है इसलिए शायद वर्ल्ड फाइल लिया था सीड नहीं दिया उसने। लेकिन गाइस तुम लोग अगर टेस्ट करना तुम लोग भी टेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है और सर्वर में तुम लोग को ये वर्ल्ड फाइल मिल जाएगी और सारे सीड्स भी मिल जाएंगे। और सच में क्या सोच के इस बंदे ने बनाया होगा ये। तो चलो ये रहा अपना नेक्स्ट सीड एंड चलो हम लोग डायरेक्ट घुसने वाले इस सीड के अंदर। एंड इस सीड के हिसाब से मैं एक रूइन पोर्टल के ऊपर स्पॉन होना चाहिए। तो लेट्स सी इफ दिस इज ट्रू। ओके दिस इज ट्रू। और भाई क्या मैसिव कैसा केव है ये? वो और गाइस ये तो कुछ नहीं अभी क्लाइमेक्स सुनो। तुम लोगों को जैसा कि पता होगा कि हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर बेडरॉक को नहीं तोड़ सकते सिवाय कुछ ग्लिची मशीन्स के। बाकी उनके बिना ऐसे नॉर्मली तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन ये सीड में ये पोर्टल के नीचे एग्जैक्ट
जो बेडरॉक है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो लेट्स सी इफ दिस इज रियल, और क्या इसके नीचे बेडरॉक टूटा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर मैं डायरेक्ट वॉइड के अंदर जंप मारना चाहिए। भाई साहब प्लीज ये फेक मत होना, रियल होगा तो थोड़ा मजा आएगा। एंड आए यहाँ पे तो बेडरॉक है। गाइस वेट, ओ पड़ हो गया। इस सीढ़ में तो यार बेडरॉक टूटा हुआ ना चाहिए, टूटा क्यों नहीं है। एक मिनट, देखा तुम लोग ने, लिटरली यहाँ पर बेडरॉक नहीं था, ये वाला ब्लॉक था। इसका मतलब हम लोग ऑफिशियली वॉइड के अंदर जा सकते बिना कोई फालतू के ट्रिक्स यूज किए। ओ माय गॉड, ये देखो क्या चीज है, एक बार जाके देखते हैं। ओ यहाँ पर और भी है, वेट, तीन टोटल तीन जगह है जहाँ से हम लोग वॉइड के अंदर जा सकते हैं। ओ हो, इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ये जो पोर्टल है ये खुद नॉच ने इसको यहाँ पे रखा है, और इसको लाइट अप करके अगर अंदर गए, गलती से भी अंदर गए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी अभी जस्ट मैंने खुद बनाई है। बना दिया ना मामू, मजाक कर रहा था यार, कुछ नहीं होता यार स्कैरी माइनक्राफ्ट में यार, नॉर्मल है, कभी कभी होता है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही होना चाहिए। अगर तुम लोग को ये वीडियो देख के मजा आया तो बोलना नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो बाकी लाइक कर दो चुपचाप, वरना तुम्हारे वर्ल्ड में अब नॉर्मल चीज़ें होने लगेगी जैसे आज मेरे साथ हुआ। एंड चलो अब मैं चला पढ़ाई करने, तुम भी करो।